नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। माँ बेटे और एक अन्य बालक की नर्मदा में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिले की शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नारायणपुर में यह हादसा हुआ है। यह मुहासा बाबई गांव के रहने वाले हैं। परिजन के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने आए थे, तभी नर्मदा में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बेटा केशव पिता पप्पू यादव और गाँव का एक और बेटा कल्लू पिता मुकेश यादव को डूबते से बचाने के लिए माँ रुक्मणीबाई पति पप्पू यादव ने छलांग लगा दी। तीनों को तैरना नहीं आने के कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। सभी अपने परिजन विजय यादव की शादी में शामिल होने आए थे, तभी बुधनी नर्मदा में नहाने गए थे। वहां नहाते के दौरान दोनों बालक कल्लू और केशव गहरे पानी में चले गए। तैरना नहीं आने के कारण दोनों डूबने लगे और मां ने इन्हें बचाने के कारण नदी में छलांग लगा दी। तीनों को ही तैरना नहीं आता था, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच में ले लिया है। ये प्रातः करीब 8 बजे की घटना है। थाना साजनाबाद में सूचना प्राप्त हुई, एक महिला और दो बच्चों की नर्मदा नदी घाट में नारायणपुरा में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः हो सकता है कि जीवित हो, ऐसी सूचना मिली। सूचना पे हमारे थाना पे मर्ग कायम दर्ज किया गया। उसके बाद हमारे पुलिस स्टाफ थाना प्रभारी सब मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचने पर उनको तत्काल जब देखा कि हो सकता है इनको शायद जीवित हों तो इनको तत्काल हमने शासकीय अस्पताल बुधनी के लिए रवाना किया गया, लेकिन बुधनी अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर पाया गया है कि ये जो विजय पाल के ग्राम नारायण नाम में शादी थी, उनके रिश्तेदारी में आए हुए थे पप्पू यादव और उनकी पत्नी है राम सखी भाई 33 वर्ष और उनका एक बेटा है और एक और लड़का है गांव का ही कल्लू गांव का मुकेश का लड़का है यादव मुझे उनके परिवार के समाज रिश्तेदार हैं जो रिश्तेदारी में आए थे। आज नहाने के लिए नर्मदा नदी में गए थे और उनकी नहाते नहाते में अकस्मात डूबने से मृत्यु हुई है और सभी तीनों डेड बॉडी हमने अस्पताल वहाँ भेजी थी, इनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और उनको जहाँ तक अभी जो मेरी जानकारी प्राप्त हुई है कलेक्टर प्रशासन और SDM साहब को हमने सूचित कर दिया है, उचित मुआवजा उनको जो भी है दिया जाएगा प्राकृतिक मृत्यु के हो जाएगा।